हेलो स्टूडेंट्स, आई एम चेतन भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिलारी मुरादाबाद. सो इन दिस वीडियो वी विल स्टडी फर्स्ट पोएम ऑफ क्लास 12th, माय मदर एट 66. एंड दिस पोएम इज कंपोज बाय कमलादास. कमलादास हु इज़ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ इंडिया. सो in this poem the poetess expresses her personal views and feelings towards her mother. to pyare bachcho is poem mein poetess kamladas ne apne maa ke vishay mein kuch apne personal feelings ko express kiya hai. to pehle main aapko is poem ke introduction mein thoda sa batata hu. ek baar kamladas apne parents ke ghar se cochin ja rahi thi. रास्ते में उनके साथ उनकी मदर भी थी. तो कमलादास ने अपनी माँ की ओर देखा जो कि एक बहुत बूढ़ी थी एंड सी वॉज 66 ईयर ओल्ड, जो कि 66 वर्ष की थी. और अपनी माँ की वृद्ध अवस्था को देखकर, उनके बुढ़ापे को देखकर वो बहुत दुखी होती हैं और अपनी माँ के विषय में वो अपने पर्सनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट द टेक्स्ट ऑफ दिस पोएम. तो प्यारे बच्चों, आइए इस पोएम को हम स्टडी करते हैं. लिखा है कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माय मदर बिसाइड मी डोज ओपन माउथेड हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स. सो इन दिस स्टंजा द पोइट सेज दैट ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, कमलादास बताती हैं कि अपने माता पिता के घर से ड्राइविंग करते समय वो कहाँ जा रहे थे, वो टू कोचीन. कोचीन को लास्ट फ्राइडे, यानी लास्ट फ्राइडे को, पिछले शुक्रवार को मॉर्निंग. तो पोएटस बताती हैं पिछले शुक्रवार की सुबह जब वह अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन को जा रही थी ड्राइविंग करते हुए. इट मीन्स द पोएटस इज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट इन अ कार विद हर मदर. एंड यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि पोएटस कमलादास अपनी माँ के साथ कार में जा रही हैं और कहाँ जा रही हैं, कोचीन एयरपोर्ट के लिए. तो बताते हैं आगे, अपनी माँ को देखने के बाद उनकी माँ कैसी दिख रही थी, डोज. माँ कैसी हो रही थी उनकी, डोज. और डोज मीन्स होता है प्यारे बच्चों ऊँगना, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं ऊँगना या आधी नींद में होना. तो उनकी माँ ऊँग रही थी, डोज मीन्स ऊँगना, ऊँगना, ठीक है, डोज मीन ऊँगना. तो उनकी माँ ऊँग रही थी, ओपन माउथेड, और उनकी माँ का जो मुँह था वो खुला हुआ था, जैसे कि ओल्ड एज में हो जाता है, बुढ़ापे में हो जाता है. तो उनकी माँ ऊँग रही थी, उनका मुँह खुला हुआ था. हर फेस एशन लाइक, उनकी माँ का जो फेस था, जो चेहरा था, वो एशन लाइक, किसके समान था, एशन. एश मीन्स राख होती है, यहाँ पर एशन का मतलब पीलेपन से है, यानी उनका जो चेहरा था वो पीला हुआ था. दैट ऑफ अ कॉर्प्स, कॉर्प्स मीन्स होता है प्यारे बच्चों डेड बॉडी. कॉर्प्स मीन्स क्या होता है, डेड बॉडी. तो कमलादास क्या कहती हैं, पिछले शुक्रवार को मैं अपने माता पिता के घर से कोचिंग के लिए जा रही थी, तो उन्होंने अपनी माँ को देखा जो कि उनके पास में बैठी हुई थी, बिसाइड मी, जो कि उनके पास में ही बैठी हुई थी. डोज, उनकी माँ क्या कर रही थी, ऊँग रही थी, ओपन माउथेड, उनका मुँह खुला हुआ था. हर फेस एशन लाइक, और उनकी माँ का जो फेस था, जो चेहरा था, वो पीला पड़ा हुआ था, ठीक है, उनकी माँ का जो चेहरा था वो पीला पड़ा हुआ था. दैट ऑफ अ कॉर्प्स, जैसे कि कब होता है, डेड बॉडी का. जब हम किसी डेड बॉडी को देखते हैं तो जो चेहरे की जो ब्राइटनेस होती है, जो शाइनिंग होती है, वो बिल्कुल चली जाती है. उसी प्रकार से कमलादास की माँ का जो फेस था, जो चेहरा था, एक डेड बॉडी के समान बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था. तो इस स्टंजा में पोएटस ने अपनी माँ के ओल्ड एज के बारे में बताया है. तो प्यारे बच्चों, अब हम स्टडी करते हैं सेकंड स्टंजा को. तो स्टडी करेंगे सेकंड स्टंजा को. सो प्यारे बच्चों, अब हम सेकंड स्टंजा को स्टडी करते हैं. पेन एंड रियलाइज्ड विद दैट She was as old as she looked, but soon put that thought away. फर्स्ट स्टंजा में हमने स्टडी किया था
कि पोइटेस अपनी माँ के साथ कोचिन एयरपोर्ट के लिए जा रही थी। उनकी माँ उनके बिल्कुल नज़दीक बैठी हुई थी, उनके पास बैठी हुई थी। पोइटेस ने जब अपनी माँ को देखा, उनकी ओल्ड एज को देखा, तो उन्होंने देखा कि उनकी माँ ऊँग रही थी और उनका मुँह खुला हुआ था और उनका जो फेस था, जो चेहरा था, वो डेड बॉडी के समान पीला पड़ा था। अब क्या देखते हैं, पेन एंड रियलाइज्ड। पेन कहते हैं प्यारे बच्चों कष्ट, पेन मीन्स क्या होता है, दुख या कष्ट। तो पेन एंड रियलाइज्ड, रियलाइज मतलब एहसास किया, फेल्ट। तो रियलाइज मीन्स हम कह सकते हैं फेल्ट। तो पोइटस ने दुख के साथ एहसास किया दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। क्या लिख रही हैं, दैट शी वॉज एज ओल्ड, उनकी जो मदर थी वो इतनी ओल्ड थी एज शी लुक्ड, जितना कि वो दिखाई पड़ रही थी। इसका कहने का मतलब क्या है पोइटिस का, उनकी जो मदर थी वो वास्तव में इतनी बूढ़ी थी जितनी वो दिखाई पड़ रही थी, यानी वो वास्तव में 66 ओल्ड थी और इतनी वो ओल्ड दिखाई भी पड़ रही थी। इसका मीनिंग क्या हुआ, उनकी मदर 66 ईयर की ओल्ड थी। बट सून, लेकिन शीघ्र ही, पुट दैट थॉट अवे। पुट अवे का मीनिंग होता है दूर करना। पोइटिस ने क्या किया, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को उस टॉपिक से थोड़ा अलग कर दिया। अभी तक पोइटिस अपने मदर के बारे में सोच रही थी, उनके बुढ़ापे के बारे में सोच रही थी, उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था, वो बिल्कुल डेड बॉडी के समान दिखाई पड़ रही थी। इससे बहुत दुखी होकर के पोइटिस ने क्या किया, अपने माइंड को, अपने थॉट्स को वहाँ से अलग कर लिया। जैसा कि हम करते हैं, मान लीजिए हमारे मन में कुछ दुखी विचार आते हैं तो हम अपने आप को उन विचारों से थोड़ा सा अलग करते हैं। तो पोइटिस ने भी क्या किया, अपनी मदर के उस बॉडी को देखते हुए जो दुख उनके मन में आ रहा था उससे अपने विचारों को थोड़ा सा अलग कर लिया। और क्या देखती है वो, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर। तो पोइटिस ने अब अपनी माँ से अपना ध्यान हटा लिया और क्या लिखा, एंड लुक्ड आउट, और मैंने बाहर की ओर देखा, एट यंग ट्रीज, किसकी ओर देखा, यंग ट्रीज की ओर, छोटे पेड़ों की तरफ देखा। स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मीनिंग होता है तेजी से दौड़ना, स्प्रिंटिंग का मीनिंग होता है रेसिंग फास्ट, रेसिंग फास्ट, तेजी से दौड़ना। तो फिर पोइटिस ने क्या किया, अपनी माँ से अपने ध्यान को अलग किया और अपनी कार के बाहर देखा और क्या देखा, उन्होंने यंग ट्रीज को देखा जो बहुत तेजी से दौड़ रहे थे। इसका मीनिंग क्या हुआ, जब कार आगे बढ़ रही थी और जो ट्रीज थे वो पीछे की ओर दौड़ रहे थे, तो उन्होंने दौड़ते हुए ट्रीज की ओर देखा। द मैरी, मेरी चिल्ड्रन, किसको देखा, मेरी चिल्ड्रन। तो मेरी मीन्स प्यारे बच्चे, यहाँ पर हैप्पी, मेरी का मीनिंग क्या है यहाँ पर, हैप्पी, खुश। तो पीछे दौड़ते हुए ट्रीज की ओर देखा, हैप्पी चिल्ड्रन की ओर देखा। स्पिलिंग आउट, स्पिलिंग आउट का मीनिंग होता है प्यारे बच्चों कमिंग आउट, स्पिलिंग आउट का मीनिंग क्या होता है, कमिंग आउट, यानी कि बाहर निकलते हुए बच्चों की ओर देखा, देयर होम्स, अपने घरों से, यानी कि प्यारे बच्चों जो बच्चे थे वो कहाँ से निकल के आ रहे थे, वो अपने घरों से निकल के आ रहे थे और खिड़की के बाहर उन्होंने पेड़ों को देखा जो बहुत पीछे की ओर बहुत तेज़ी से दौड़ रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, प्यारे बच्चों यही सोचते हुए जो पोइटिस हैं हमारी कमला दास, अब वो कहाँ पहुँच चुकी हैं, एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट पर पहले उनका चेक होता है, ठीक है, पहले उनकी सिक्योरिटी चेकिंग होती है। तो लिखा है कि बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, और एयरपोर्ट पर जाकर सिक्योरिटी चेकिंग के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे। तो एयरपोर्ट पर जाने के बाद पोइटिस कुछ यार्ड्स दूरी पर अपनी माँ से खड़ी हो जाती हैं। फिर क्या लिखा कि आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर से अपनी माँ को एक बार फिर देखा, यानी कि जब एयरपोर्ट पर चली जाती हैं तो एयरपोर्ट पर उनकी सिक्योरिटी चेकिंग होती है। तो जो पोइटिस है हमारी कमला दास, वो एयरपोर्ट पर कुछ दूर खड़ी हो जाती हैं और वहाँ खड़े होने के बाद फिर से वो अपनी माँ को एक बार देखते हैं। तो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की ओर। प्यारे बच्चों अब हम फोर्थ स्टेंजा को स्टडी करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था थर्ड स्टेंजा में, जब पोइटिस और उनकी मदर एयरपोर्ट पर पहुँच जाती हैं तो
एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकिंग के बाद पोएटेस थोड़ा आगे बढ़ जाती हैं, और आगे बढ़ने के बाद वो अपनी माँ को एक बार फिर से पीछे मुड़ करके देखती है, और क्या देखती हैं, वैन पेल। वैन का मीनिंग भी प्यारे बच्चों पेल होता है, वैन का मीनिंग भी पेन या कलरलेस, और हम क्या कह सकते हैं इसको, कलरलेस। पोएटेस ने क्या देखा अपनी माँ को, उनकी माँ जो थी बिल्कुल पीली पड़ी हुई थी, कलरलेस थी, एज अ लेट विंटर्स मून। यहाँ पर प्यारे बच्चों पोएटेस ने अपनी मदर के फेस को कंपैरिजन किया है किसके साथ, विंटर्स मून से, ठीक है, यानी उनकी माँ का जो फेस था वो कैसा था, लेट विंटर्स मून, यानी कि पिछले सर्दियों के मून के तरह। अब आप जानते होंगे विंटर्स मून, विंटर के मौसम में, सर्दी के मौसम में जो मून होता है, जो चंद्रमा होता है, बिल्कुल कैसा दिखाई पड़ता है, डल, उसमें कोई शाइनिंग नहीं होती है, उसमें कोई ब्राइटनेस नहीं होती है। हम गर्मियों में देखते हैं तो मून में शाइनिंग होती है, ब्राइटनेस होती है, लेकिन यहाँ पर पोएटेस जो हैं वो अपने मदर के फेस की जो कंपेरिजन करती हैं, जो तुलना करती हैं, वो किससे करती हैं, विंटर के मून से, ठीक है। तो उनके माँ का जो फेस था वो किसके समान था, विंटर के मून के समान, यानी कि जिस प्रकार से सर्दी के मौसम में मून एकदम डल हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, उसी प्रकार से पोएटेस की मदर का फेस भी बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था, बिल्कुल डल था, कोई भी शाइनिंग उनके फेस पर नहीं थी। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और ये सब देखते हुए लिखती हैं पोएटेस, एंड फेल्ट, और उन्होंने एहसास किया, महसूस किया, दैट ओल्ड फैमिलियर एक, ओल्ड फैमिलियर एक, फैमिलियर का मीनिंग होता है जाना पहचाना, ठीक है, फैमिलियर मीनिंग जाना पहचाना या नॉन, ठीक है, और कैसा महसूस किया उन्होंने उस जाने पहचाने एक को, एक का मीनिंग होता है दर्द, पेन, क्या फील किया उन्होंने, दर्द को महसूस किया, यानी जब पोएटेस ने अपनी मदर के फेस को देखा जो कि बिल्कुल डल लग रहा था, उसमें कोई ब्राइटनेस नहीं थी, कोई शाइनिंग नहीं थी, तो ऐसा देख करके उनके मन में फिर से वही जाना पहचाना दर्द का अनुभूति हुई, महसूस हुआ। लिखते हैं कि माई चाइल्डहुड फियर, कौन सा वाला एक उनको महसूस हुआ था, कौन सा दर्द उनको महसूस हुआ था, माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर, उन्हें अपनी माँ को देखने के बाद वही जाना पहचाना अपने बचपन का डर महसूस होता है। ऐसा क्यों कहा गया है, आप सबने ये देखा होगा, महसूस किया होगा कि जब हम किसी छोटे बच्चे को जब हम स्कूल में भेजते हैं तो बच्चा बहुत रोता है, वो आसानी से जाना नहीं चाहता, ऐसा क्यों करता है वो, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसको उसकी माँ से दूर किया जा रहा है, ठीक है। यही फीलिंग आज पोएटेस के मन में अपनी मदर के प्रति आ रही है, क्योंकि वो उनसे बहुत दूर जा रही है, और उनकी मदर बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी हैं, 66 ईयर की ओल्ड हो चुकी हैं। पोएटेस को लगता है कि शायद इन फ्यूचर वो अपनी माँ को देख पाए या ना देख पाए, तो अपनी माँ से अलग होते समय उसके मन में आज फिर से वही बचपन वाला डर आ जाता है, और वही दुख वही दर्द उनके मन में एहसास होता है। आगे क्या लिखते हैं, बट ऑल आई सेड, लेकिन इन सभी बातों को सोचते हुए उन्होंने सिर्फ यही कहा, क्या कहा कि सी यू सून अम्मा, सी यू सून, आपसे मैं जल्दी मिलूंगी अम्मा। तो अम्मा हम मदर को बोलते हैं अपनी अपनी लैंग्वेज में, कोई मदर बोलता है, कोई मम्मी बोलता है, कोई अम्मा बोलता है। तो ये सब कुछ फील करते हुए, उस डर को महसूस करते हुए, उस दर्द को महसूस करते हुए, आखिरकार फिर पोएटेस ने अपनी माँ से कहा कि मदर मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी, अम्मा मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी। फिर क्या लिखा है, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैं सिर्फ क्या कर सकी, पोएटेस बताती हैं, आई डिड वॉज स्माइल, मैं सिर्फ मुस्कराई एंड स्माइल, मुस्कराई एंड स्माइल, और मैं सिर्फ मुस्कराई। कहने का तात्पर्य क्या है प्यारे बच्चों, पोएटेस ने जब अपनी माँ को सी ऑफ किया, जब उनको अलविदा कहा, तो वो जानती थी कि उनकी मदर बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, और उनको ये भी लगता था कि शायद आने वाले टाइम में कि मैं अपनी माँ को देख पाऊँ या ना देख पाऊँ, तो अपनी माँ से अलग होते समय उनको बहुत दुख हो रहा था, उनको डर लग रहा था कि फिर से शायद वो उनसे फ्यूचर में ना मिल पाएँ, तो उनका मन तो बहुत दुखी था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने दुख को रिवील नहीं किया, व्यक्त नहीं किया, और अपनी माँ के सिर्फ क्या सामने क्या करती रही, वो मुस्कुराती ही रही, और मुस्कुराते हुए
वो अपनी माँ से अलविदा लेती हैं, अपनी माँ को सी ऑफ करती हैं, अपनी माँ को गुड बाय कर देती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये टेक्स्ट तो हमारा यहीं समाप्त हो जाता है, लेकिन इसके बाद में आपको इस पोएम से रिलेटेड कुछ लिटररी डिवाइसेस के बारे में बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, इन दो लाइनों में पोएट्स ने लिटररी डिवाइसेस का यूज किया है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ाया था, तो यहाँ पर भी उन्होंने कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया है, जिसको हम देख लेते हैं। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, वो अपनी माँ के बारे में बताती हैं कि उनकी माँ का जो फेस था वो बिल्कुल एशन था, एशन मतलब पीला पड़ा हुआ था, कलरलेस था, लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। कॉर्प्स कहते हैं डेड बॉडी, कॉर्प्स मीन्स क्या होता है, डेड बॉडी। यानी वो बताती है कि उनकी माँ का जो चेहरा था एक डेड बॉडी के समान बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कंपेरिजन किया जा रहा है उनके माँ के फेस का और किससे, डेड बॉडी से, ठीक है। तो यहाँ पर लाइक का यूज भी किया गया है, कंपेरिजन भी हो रहा है, तो हम यहाँ पर समझ गए होंगे यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, सिमली का। तो यहाँ पर पोएट्स ने सिमली फिगर्स ऑफ स्पीच का भी यूज किया है, ठीक है। सेकेंड लाइन को देखते हैं, पेल आ लेट विंटर्स मून, पेल आ लेट एज विंटर्स मून। यहाँ पर भी पोएट्स ने फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है सिमली, ठीक है। यहाँ पर भी कौन सा यूज किया गया है, यहाँ पर उनका जो चेहरा था वो पीला पड़ा हुआ था, किसके समान, विंटर्स मून के समान। तो यहाँ पर भी तुलना की है पोएट्स ने, यहाँ पर तुलना किससे किया, विंटर्स मून से, सर्दियों वाले चंद्रमा से। तो यहाँ पर पोएट्स ने यहाँ पर भी सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया है। तो प्यारे बच्चों, इस पोएम में पोएट्स ने फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज किया है। यहाँ पर हम देखते हैं इन लाइनों में पोएट्स ने सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया है। तो मैं मानता हूँ ये पोएम आपको बहुत अच्छी तरह से अब समझ में आ गई होगी। यदि एक बार में पोएम समझ में ना आए, इसको दोबारा देखें, तीन बार देखें, आप जितनी बार इस पोएम को देखेंगे ये पोएम आपको उतनी ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम आपको पीडीएफ के द्वारा सेंड कर देंगे, जिससे कि आपको वो लिखने में बहुत आसानी हो जाए। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आपने पोएम को बहुत अच्छी तरह समझ लिया होगा। यदि समझ में ना आए तो पोएम को बार बार देखिए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।